नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो स्टैटिस्टिक और पैरामीटर, इन दो टर्म्स के बीच आपको डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी टर्म को कहां पर यूज किया जाता है, और स्पेसिफिकली रिसर्च के फील्ड में हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आप सबको पता है, अगर आप इन दोनों टर्म्स का मतलब देखने के लिए इस वीडियो पे आए तो आपको पॉपुलेशन और सैंपल का मतलब तो पता होगा। पॉपुलेशन जिसके ऊपर हम काम करना चाहते हैं, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल है सबका डाटा कलेक्ट करना, तो हम उसमें से कुछ लोगों को उठाते हैं जिनका हम डाटा कलेक्ट करते हैं अपने रिसर्च के लिए। तो पॉपुलेशन में से निकाला गया सैंपल और इस सैंपल से कलेक्ट किए गए डाटा को जब हम एनालाइज करते हैं, उसका मीन निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, या और कुछ कोरिलेशन निकालना चाहते हैं, तो वो जो भी मीन मीडियन जो भी हमने कैलकुलेट किया वो होगा स्टैटिस्टिक। लेकिन अगर मैं इस सैंपल की बजाय मैंने ठान लिया कि मैं तो पॉपुलेशन से ही निकालूंगी सारी चीजें, मैंने पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट किया, उससे मीन मीडियन या कुछ भी निकाला, तो वो क्या होगा? पैरामीटर होगा। यानी पी से पॉपुलेशन, पी से पैरामीटर, एस से स्टैटिस्टिक और एस से ही सैंपल। तो सैंपल से रिलेट करता है स्टैटिस्टिक और पैरामीटर जो है वो पॉपुलेशन से रिलेट करेगा। आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आया हो।